नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धागड़। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको रियावन लहसुन के बारे में किस प्रकार से खेती होती है, किस प्रकार से बोया जाता है, क्या क्या उसमें खाद बीज का इस्तेमाल किया जाता है, इससे पहले जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब हमने आपको वीडियो उपलब्ध करवाया था। और दर्शकों, अब हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं कि रियावन लहसुन का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से वो लहसुन जो है साल भर तक सुरक्षित रहता है और उसका जो पर्दा नहीं टूटता है, साइज एक सा रहता है, व्हाइटनेस एक जैसी रहती है पूरे साल भर तक। साल के अंत तक रियावन लहसुन बाजार में आया था और एक जैसा ही भाव, जैसा कि उसने शुरुआत में उसका भाव अच्छा खासा चल रहा था, वैसा ही उसको अंत तक भी मिला है। तो दर्शकों, किस प्रकार से रियावन के गांव वाले और जो लहसुन उगाते हैं वो किस प्रकार से भंडारण करते हैं, उसकी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दर्शकों, आप ये देख रहे हैं, ये है रियावन लहसुन, जिसने कि 2019 के अंदर जो है रेट के मामले में, भाव के मामले में धमाका मचा करके रखा हुआ था। और दर्शकों, धमाका मचे भी क्यों ना, क्योंकि जो क्वालिटी है उसमें दम ही इतना है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर रियावन लहसुन पड़ा हुआ है। चाहे इसकी बात कर ले हम साइज की, क्वालिटी की, वजन की और वाइटनेस की, सभी में ब्रांड है और 2019 में तो ब्रांड बनकर के ही उभर के आया है लहसुन। क्योंकि दर्शकों, ऊटी का लहसुन हमने देखा है आज तक साइज में बड़ा होता था, लेकिन उसके बाद में जो देशी क्वालिटी के मामले में लहसुन की साइज अगर सबसे बड़ी किसी माल की है तो वो रियावन क्वालिटी की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, लहसुन एकदम सबसे अलग हट करके है। तो दर्शकों, आज बात करने वाले हैं इसके भंडारण पर। तो सबसे पहले जो रियावन के किसान भाई हैं और जो रियावन लहसुन का उत्पादन करते हैं, वो सबसे पहले लहसुन को काट करके, जो उखाड़ करके फिर काटते हैं और उसके बाद में खेत में जो आप ढेर देख रहे हैं इस प्रकार से इसे सुखाया जाता है। दर्शकों, खेत में ही ये लहसुन कम से कम 6 से 7 और कुछ जगह पर 8-8 दिनों तक भी धूप इसको लगाई जाती है। जब ये अच्छी तरीके से सूख करके तैयार हो जाती है उसके बाद में इसके कट्टे भरे जाते हैं। और दर्शकों, कट्टों को जो रखने का जो इनका तरीका है वो सबसे अनोखा है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये माल सुरक्षित रहता है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी बड़ी जगह में ये माल स्टोर किया हुआ है, क्योंकि दर्शकों हमने अधिकतर देखा है कट्टे के ऊपर कट्टा लगा करके जगह की बचत की जाती है, जिससे कि अधिक से अधिक माल स्टोरेज किया जा सके। लेकिन रियावन के जो किसान हैं वो जगह का जो है ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ध्यान देते हैं क्वालिटी पर, क्वालिटी मेंटेन रहे, लहसुन टूटे फूटे ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर प्रत्येक कट्टा सिंगल पड़ा हुआ है, एक भी कट्टे के ऊपर कट्टा नहीं है, जिससे कि लहसुन फूटता टूटता नहीं है, पर्दा हमेशा उसका जो है मजबूत रहता है। और जब भी बेचना होता है माल को तो ये कट्टों को खाली करके फिर इसकी सफाई की जाती है, पर्दा उतारा जाता है, उसके बाद में इसमें और कुछ सफाई जो ज़रूरत होती है वो की जाती है और उसके बाद में बॉक्स में भर करके मंडी ये ले जाते हैं और इसे बेचते हैं, तब जाके अच्छा मूल्य प्राप्त हो। और साथ ही दर्शकों, घर में तो इस प्रकार से कट्टों को भंडारण किया जाता है, सिंगल सिंगल कट्टा रखा जाता है, लेकिन इसके साथ में ही जब ये खेत से माल उठा करके घर पे लाया जाता है तब भी बहुत बड़ी सावधानी बरती जाती है यहाँ के किसान भाइयों के द्वारा। जब ट्रैक्टर ट्रॉली में ये कट्टे भर करके लाए जाते हैं उस वक्त भी इन कट्टों को जरा सा भी कोई गिराया नहीं जाता है, जरा सा भी इसमें कोई डैमेज ना हो जाए उसका पूरा ख्याल इन किसान भाइयों द्वारा रखा जाता है। ट्राली के अंदर सिंगल सिंगल कट्टा, चाहे वो आड़े में अगर 4 से 5 कट्टे भी आ रहे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 चक्कर क्यों ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन माल सुरक्षित रखना है तो उसके लिए पूरा ध्यान ये रखते हैं। तो दर्शकों, ट्राली में भी जब लाते हैं तो ना तो इसको कट्टे को गिराया जाता है, ना इसको ज़्यादा ज़ोर से पटका जाता है, उतारते समय भी सिंगल सिंगल कट्टा उतारा जाता है और उसके बाद में जब घरों में लाकर के जो आप देख रहे हैं ये सिंगल सिंगल कट्टा जमाया गया है, इस वक्त तक भी उतारते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। तो दर्शकों, इस प्रकार से लहसुन टूटता फूटता नहीं है, पर्दा मजबूत रहता है और इतनी सावधानी बरतने के बाद में इसकी सफाई की जाती है, सफाई करके इस माल को बेचा जाता है, तब जाके अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।